मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किला फतेह कर लिया जो आपने। ये रघु हमेशा दनक का था और दनक का ही रहेगा। किसी भी रिश्ते में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और हमारे भी आए थे, पर दनक का विश्वास जीत गया। ये कहीं ना कहीं आज दोनों में कुछ बातचीत हो रही है भागते वक्त, क्या कुछ बताएंगे आप हमें? मतलब मैं उनको यही कह रही थी कि हमारा जो मैच है ना वो एकदम परफेक्ट वाला गठबंधन है हमारा, क्योंकि उन्होंने भी गन पॉइंट पे शादी की, मैंने भी उठा लेके भाग ली कि चलो भागो गन पॉइंट पे। तो हाँ, एक दूसरे को टक्कर देते हैं हम, तो परफेक्ट कपल टाइप के हैं। अच्छा, दो दिल जुड़े हैं लेकिन दो दिल टूटे भी हैं, एक आएगा और एक माया का। जैसी करनी वैसी भरनी। लेकिन माई को आपने बड़ा सब अच्छा सबक सिखाया, मैं घर के अंदर एंट्री नहीं दी भैया, पता है आपके साथ क्या ब्लैकमेल करी थी ना। अब वो मैंने क्या किया है, क्यों किया है, भगवान का नाम लेके किया, आप देखेंगे ना तब आपको पता चलेगा। और फाइनली कॉस्ट्यूम बड़ा ही अच्छा लग रहा है आपका, क्या कहना जी? क्योंकि मैं दुल्हन हूँ, भले ही बदली हुई दुल्हन हूँ, बट हाँ दुल्हन हूँ, तो मैंने प्रॉपर नवारी साड़ी पहनी है, नथ पहनी है और प्रॉपर ज्वेलरी जो बहुत हैवी है वो सब अच्छे से सज सवर के तैयार हुई हूँ मैं। और देखो इतना सजी थी, रघु को वापस ले आई। जिस टाइम पे कहते ना कि धनक आपकी बहू मिली बनी जैसी सास, वैसे वो वापस से लेके चली गई पति को। वो मतलब मेरी ज़िंदगी में तो सबसे बड़ा मनहूस दिन था जिस दिन, एक तो मेरे नालायक बेटे ने उसके साथ शादी की गन पॉइंट पे रख के, फिर अब मैं माया के साथ शादी करा रही हूँ, तो मुझे उल्लू बना के सबने, मतलब घर का बेदी हो तो बड़े बड़े राजा महाराजा भी हार चुके हैं, तो सावित्री भी क्या कौन है फिर सावित्री, तो घर के बेदी लोग जो हैं सब उसको सपोर्ट कर रहे हैं और रघु और धनक की फिर से शादी करा रहे हैं। बट हाँ, अब कभी कभी उसका पलड़ा भारी हो जाता है धनक का, कभी कभी मेरा, अब तक मेरा भारी था, आज धनक का पलड़ा भारी है, और इसलिए मेरी नज़रों के सामने मेरे बेटे को वो बाइक पे बिठा के हथकड़ी लगा के भगा के लेके गई है। लेकिन कहते हैं ना कि एक धनक आपका सीन होने वाला जहाँ पे पूरा कंफ्यूजन हो जाएगा कि भैया क्या क्या है क्या नहीं। हाँ, वो मुझे वो वापस आएगी रघु को लेके, क्योंकि वो तो अच्छाई की मूर्त है ना धनक, तो वापस आएगी कि माई को मना लेंगे, माई को मना लेंगे, और मैं मान नहीं रही हूँ, इसलिए वो मुझे मना रही है। और वो कैसे मना रही है? ब्लैकमेल करके। ज़िंदगी में यही सिखाते सीख मिलती है ना कि कभी कभी उंगली टेढ़ी भी करनी पड़ती है, तो ऐसी मतलब क्या ब्लैकमेल करने वाली है ननक? ऑब्वियसली जो इतने जो ड्रग कांड हुआ था उसको लेके, लक्ष्मी की जो हत्या हो गई उसके हाथों उसको लेके, तो मुझे ब्लैकमेल करती है और घर में आ जाती है, मुझसे आशीर्वाद लेती है, जुग जुग जियो। वापस नाक कट गई, मतलब क्या हो क्या रहा माई की लाइफ में ये सब? अब क्या, वो मैं बोलती हूँ ना, वो मेरी साढ़े साती, भगवान ने साढ़े साती मेरे पीछे छोड़ दी है धनक के रूप में, तो वो वापस जाके कितना भी मैं कोशिश करूँ उससे दूर भागूँ, उसको दूर भगाऊँ, वो वापस आ ही जाती है मेरे घर में, मेरे इधर बैठ सर पे बैठने, तो क्या करूँ अब मैं। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा मुझे ये सरप्राइज़, क्योंकि रघु धनक से बहुत प्यार करता है, और अगर धनक कुछ आउट ऑफ द वे जाके रघु के लिए कुछ करे तो उससे बड़ी बात रघु के लिए कोई हो नहीं सकती, क्योंकि एक्सपेक्टेशन कभी नहीं था कि धनक ऐसा करेगी। प्यार करती है ऑफकोर्स, बट इतना हद तक प्यार करती है कि ये सब कर देगी, इतना प्लानिंग कर देगी और खुद आके दुल्हन बन के बैठ जाएगी, वो सब नहीं रघु ने एक्सपेक्ट किया था। बट बहुत अच्छा लगा ये जान के। हाँ, एक बहुत ही मिस्चीवियस किस्म का अवतार निकल के आया है, उसने जो प्लानिंग की है वो शायद उसने वो कहावत को सीरियसली मान लिया कि लोहा लोहे को काटता है, तो वो हमारी फैमिली में रह के उसने कुछ पैतरे सीखे हैं, अब वो वही हमको मतलब अप्लाई कर रही है हम लोग पे, हम मुझ पे नहीं बट मेरी फैमिली पे, जिससे वो ये सब गेम कर रही है और इतना सारा उसने प्लानिंग किया है, और हमारी फैमिली उस मेंबर्स भी उसमें शामिल है जो धनक का सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखा जाता है कि रघु की फैमिली सबको गन पॉइंट पर रखती है, बट आज
ये भी एक बहुत ज़्यादा क्रेजी सिनारियो था कि कैसे धनक के पापा जो इतने शरीफ से हैं और उसकी जो बहनें हैं उन लोग ने भी गन उठा के सबके माथे पे तान दिया कि नहीं इस बार तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। अब मुझे समझ आ रहा है कि इतने कंफर्टेबल क्यों थे बहुत पहले से शादी को लेके, कि रघु बहुत कंफ्यूज था कि यार कोई कुछ कह ही नहीं रहा है, पापा जिनकी खुद की बेटी की के जो उसका दामाद है वो दूसरी शादी कर रहा है, अभी तक पहली शादी टूटी नहीं, वो भी कंफर्टेबल है, तो ये सारा गेम प्लान था। अब समझ आ रहा है रघु को, जैसे कल रघु ने धनक से कुछ रिक्वेस्ट की थी, तो क्या यही रिक्वेस्ट थी कि शादी में वो आके बैठ जाए? रिक्वेस्ट ये तो नहीं थी, बट दिल से ऑब्वियसली ये रिक्वेस्ट थी कि किसी तरह से कुछ ऊपर वाला सुन ले और माया की जगह धनक आ जाए, बट मुँह से तो बोला नहीं था ऐसा, बट रघु की ऊपर वाले ने सुन ली और सच्चा प्यार है तो क्यों नहीं। तो हमेशा एक हीरो हीरोइन को भगा ले जाता है, बट आज तो हीरोइन नहीं है, मतलब दूल्हे को ही भगा लिया, वो भी स्कूटी पे। हाँ जी, क्यों, मॉडर्न जमाना कुछ भी हो सकता है। हाँ, एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ था जो हुआ, कि इतनी प्लानिंग करके रखी थी धनक ने कि अगर सब कुछ फेल हो जाएगा तो रघु को ही भगा के लेके जाऊँगी और वो भी हथकड़ी पहना के भगा के लेके जाऊँगी। तो काफ़ी धनक का जो अपना सिग्नेचर स्टाइल है, हर बार हर शादी में हथकड़ी निकल के आती है, इस बार भी आई बट एक अच्छे कॉज के लिए, अच्छे मूव के लिए आई, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। फुल महाराष्ट्र लुक, यस, वाइट शेरवानी विद वाइट धोती विद दिस रेड स्ट्रोल और ये सहरा और ऑफ कोर्स ये ट्रेडिशनल मराठी एक्सेसरी जो शादी में पहनते हैं लोग, और ये मोती वाला हार काफ़ी जच रहा है मेरे ख्याल में। बहुत हो गया सीधापन, अब टेढ़ा होना ही पड़ेगा, तो बस मैं सजा रही हूँ, ये मेरा तरीका है, थोड़ा इनोवेटिव तरीका है माया को दुल्हन बनाने का। भाई ऐसी पार्लर वाली तो किसी दुल्हन को, मेरे दुश्मन को भी ऐसी पार्लर वाली गलती से भी ना मिले। दुश्मन तो मैं ही हूँ। तो मतलब कह सकते कि इन्होंने जितना भी सारा मास्टर प्लान आप पे निकाला था, एक ही दिन में सारी कसर धनक ने निकाल ली। इसको पता है ना मेरी वीकनेस क्या है रघु, तो उससे ही कनेक्टेड इसको कोई ना कोई चीज़ करनी थी रिवेंज लेने के लिए। बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि एक बार ही ऐसा करो जो सब पे भारी हो जाए, तो बस वही किया मैंने, एक बार। आप यहाँ पे एक बार करिए, बट माई एक और बार आप पे तान के आई थिंक सो खड़े रहने वाली हैं। वो पता चलेगा जब आप देखेंगे, तो आपको पता चलेगा किसने बंदूक तानी, किसने वार किया, कौन जीता और कौन रघु को लेके फरार हुआ, सब आपको पता चलेगा। ओके, सो आपके लुक के बारे में जानना चाहेंगे, दोनों काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं, सो लुक के बारे में थोड़ा बता दीजिए आप। हम दोनों ने प्रॉपर नवारी साड़ी पहनी है, मैंने काफ़ी टाइम बाद नवारी साड़ी पहनी है, जो मेरी पहली शादी हुई थी, जो भी इसकी वजह से टूटी थी वो रघु ने तोड़ी थी यार, मैं उसमें बिल्कुल निर्दोष थी। उसमें भी मैंने नवारी पहनी थी, आई लव द कलर, इट्स अ टू शेडेड साड़ी, इट्स रॉयल पिंक एंड रेड, जो दोनों मेरे बहुत फेवरेट है, स्पेशली रेड कलर, सो आई लव्ड माई साड़ी एंड मेहंदी। यस, मुझे मेहंदी की बास बिल्कुल पसंद नहीं है, बट मुझे ये जो कलर आता है, फ्रेग्रेंस, स्मेल इज आल्सो बास, सो जो फ्रेग्रेंस होती है वो मुझे नहीं पसंद जैसे दूसरों को पसंद होती है, बट मुझे ये जो कलर आता है वो बड़ा सुंदर लगता है, तो मैंने खास रघु के लिए ये मेहंदी लगाई थी, बट उसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ अभी, थैंक्स टू हर। सो बिकॉज मेरे पति की शादी है, तो मैं बहुत अच्छे से सजी हुई हूँ, और आई थिंक अगर मेरी शादी होती तो मैंने नथ भी पहन ली होती, बट बस एक वही कमी है, बाकी मैंने रानी शेड की नवारी पहनी है और ज्वेलरी चूड़ा, आज मैंने पहली बार चांद बिंदी भी लगाई है, जो धनक ने अभी तक किसी भी लुक में नहीं लगाई थी, एंड बहुत अच्छे से सजी हूँ, पति को जला भी रही हूँ और भगा भी ले जाऊँगी। सजा
सजने संवरने की बात हो रही है तो आप रंगों को भी सजा रही है, उन्हें भी आप शौक पे शौक दे रही है, इतनी स्वीट बन गई है धनक। जो ये लोग चाहते थे मैं वही कर रही हूँ यार, बस थोड़ा अलग तरीके से कर रही हूँ, पर कर तो वही रही हूँ ना, तुम ये लोग चाहते थे यार, बस तब भी प्रॉब्लम है, करो तो प्रॉब्लम, ना करो तो तुम कुछ मत करो, तुम कुछ मत करो। थैंक यू माई, मतलब आपका ही सिक्का खोटा निकला है, क्या करे, मतलब क्लास लग रही है अभी माया की, क्या ही हो सकता है, और माया का क्या कहेंगी? माया के साथ कुछ नहीं हो सकता, फाइनली सावित्री माई जो इतनी खुन्नस में है धनक के, उसने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि माया धनक से कम्पीट नहीं कर सकती, धनक का मुकाबला नहीं कर सकती, माया से कुछ नहीं होगा, फाइनली धनक ही जीत जाएगी। अब ये माई ने भी एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए वो बहुत कोशिश कर रही कि इतनी हद तक कोशिश कर रही कि खुद दवाई दे के बोल रही उसके दारू में, लघु के दारू में डाल दे और उसको पिला दे, ताकि जब एक बार तुम दोनों करीब आ जाएंगे तो वो किसी और लड़की की तरफ, भले ही वो धनक भी हो, मुँह उठाकर कभी नहीं देखेगा। तो कोशिश कर रही है, मगर माया का नसीब ही ऐसा तो क्या करेंगे, उसके नसीब में है ही नहीं रघु। लास्टली क्या लग रहा है, इतना सब करने के बाद भी माया से ही पैतरे आजमाएंगे या फिर माई को ही कुछ करना पड़ेगा? फाइनली माई को ही करना पड़ेगा, माया तो थक हार चुकी है, देखा ना कैसे एकदम वो ऐसी हो गई, देवदास हो गई है, तो माई को ही कुछ करना पड़ेगा, करेगी माई, जरूर कुछ करेगी। थैंक यू। जी तो ऑब्वियसली उसका बर्थडे है तो सेलिब्रेशन तो होगा ही, फैमिली मेम्बर है, और ऑब्वियसली धनक और रघु के बीच में सब सही नहीं चल रहा है, तो रघु के अपने रीजंस हैं माया का बर्थडे इतने स्पेशल तरीके से सेलिब्रेट करने के, वो माया के साथ हैं, माया से अब शायद प्यार व्यार करने लगे हैं, माया को पसंद करने लग गए हैं, तो उनके अपने रीजंस हैं, तो अच्छी बात है माया का सेलिब्रेट कर ले। मैं तो अभी भी पतिव्रता, पति तलाक हुआ नहीं है मेरा, तो मैं अपने पति के साथ जो मेरा एक महीना बेचारी रो रो के ही पूरा हुआ, तो मैं उसी को मना के खुश हूँ। कैसा एटीट्यूड है बेचारी, इतनी अफर्ट्स कर रही है और रविया की मानने के लिए तैयारी नहीं है? जब रघु रूठता है तो उसको मनाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, और अभी जो गलती धनक से हुई है उसके बाद रघु चाहता है थोड़ा सा और मनाए, अब देखते हैं कब मानेगा रघु। इसके बाद जो गलती आपसे होने वाली है ना, उसमें देखती हूँ मैं आप कितना मनाते हैं। माया के लिए जो गिफ्ट्स है वो भी आपने स्पॉन्सर किए हुए? मैंने स्पॉन्सर नहीं किए वो, हाँ एक्चुअली एक गिफ्ट मैंने स्पॉन्सर किया है, और इनका तो स्पेशल गिफ्ट है स्पेशल पर्सन के लिए। परफॉर्मेंस मैं करने वाली हूँ, घाटी डांस कोई और करेगा, घाटी डांस परफॉर्मेंस तो मेरी है। बारिश के सीजन पे समर जो एंजॉय कर रहे हैं आप, पता नहीं बादलों को क्या हो गया यार, बरस ही नहीं रहे, तो गर्मी बहुत बढ़ गई है, और मना लो माया का बर्थडे माया के बर्थडे पे ही हो गया, दिन में मना रही है, ये भी नहीं कि रात में मनाओ, ठंडी हवा हवा कुछ जल रहा है, भगवान भी जल रहे कि जाओ मैं मौसमी रुहाना नहीं करूंगा, मनाओ तुम बर्थडे। याद है हमारे मोमेंट्स पे कितने अच्छे अच्छे मौसम रहे थे, इतना तो मैं मानता हूं। चलो थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी हाँ, परेशानियों के बादल मेरी ज़िंदगी में मंडरा रहे हैं, और तो वो काले घने बादल होते जा रहे हैं, क्योंकि रघु दिन ब दिन मुझे बहुत स्ट्रेस दे रहे हैं, कभी कुछ। अब तो माया से शादी करने का बोल दिया है इन्होंने, तो धनक बहुत हर्ट है, कहती है ठीक है जाओ कर लो शादी, तुम भी क्या याद करो कि मैं भी तलाक दे के जा रही हूँ। ये तुमने क्यों कहा, ये क्यों? मुझे समझ नहीं आया। एक्सक्यूज मी, आप तला दूसरी शादी की बात कर रहे हैं और मैं ये भी नहीं कह सकती। हाँ बट अचानक से क्या प्लान है, कुछ तो कुछ प्लान चल रहा है धनक के। जब कहते हैं ना कि घी सीधी उंगली से नहीं निकलती, वही कर रही हूँ, डंडे मार के लाइन पिलाऊंगी, बहुत हो गया ही रिक्वेस्ट, बहुत हो गया गिड़गिड़ाना, कुछ नहीं होगा। सिंपल वर्ड्स में मैं पागल हूँ वो तो मैं हुई
मेरा दिमाग सही रास्ते पर नहीं है। धनक को, धनक को ज्यादा से ज्यादा हर्ट करना चाहता हूँ। हाँ यार, अभी मेरा माइंड सेट ही वैसा, क्या करूँ, स्टेट ऑफ माइंड वैसा ही बन गया है, क्या करूँ अभी मैं। तो धनक को इस बात से प्रॉब्लम हमेशा थी कि माया, धनक को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, प्लीज क्लियर करना चाहूंगी मैं ये बात। माया आपसे प्यार करती थी, आप माया के दोस्त थे, आपको मुझसे प्यार हो गया, आपने मुझसे जबरदस्ती शादी कर ली। धनक को माया से कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहीं ना कहीं धनक को बुरा तो लगेगा ऑब्वियसली इसी बात से, वो मेरा मीनिंग था, मेरे वर्ड्स थोड़े इधर उधर हो गए। हाँ, वो बहुत शब्द ही बहुत कुछ होते हैं भाई। ओके, तो इससे ऑब्वियसली धनक को बहुत बुरा फील होगा। तो रघु इस वक्त धनक को बुरा फील कराना चाहता है, उसको नहीं कराना चाहिए, बट ऐसे ही हो रहा है, इसीलिए रघु ये सब कर रहा है। लेकिन अगर माई की बात करें तो मतलब पहले भी उनके जहन में माया थी एज अ बहू, और अब फिर आपने जो डिसीजन लिया है उनके लिए शायद अब वो, हाँ कहीं ना कहीं वो भी है कि रघु अपनी माई को अब हमेशा खुश देखना चाहता है, क्योंकि जो उसकी माई के साथ जेल में हुआ उसके बाद तो वो पूरा ही धनक से जितना नाराज़ है उससे ज़्यादा माई का प्यार उसके लिए और बढ़ गया है, और माई जो चाहती थी हमेशा से माया उसकी सुनबाई बन के घर आए, तो वो वही कर रहा है, माई को खुश भी कर रहा है और साथ साथ में धनक के साथ उसको हर्ट भी कर रहा है। बढ़ गई है कि अब अगर रघु कुछ अच्छा काम भी करने जाते हैं तो आपको डाउट होने लगता है कि पता नहीं क्या करने जा रहे हैं। आज भी मतलब आपके फादर के पैसे बचाने की कोशिश कर रहे थे और आपने ये सोचा कि हफ्ता वसूली कर रहे हैं वो? नहीं नहीं, एक्चुअली इस वक्त सिचुएशन ऐसी चल रही है, एक्चुअली इस वक्त सिचुएशन ऐसी चल रही है कि रघु ने बोल दिया है कि वो वापस गुंडा बनने जा रहा है, वापस गलत काम ही करेगा। तो ऑब्वियसली अगर सामने वाला गलत रास्ते पर चल रहा है तो किसी के भी दिमाग में आएगा कि अगर वो उसको मार पिटाई करते देखे, वो भले ही अच्छाई के लिए मार रहा हो, बट पहला थॉट तो ये जाएगा ना कि यार इसी ने बोला था अब ये गलत काम करेगा, और देखो इसने शुरू भी कर दिया। तो सेम प्रोसेस रहा धनक का, जब वो देखती है तो उसको वही थॉट आता है कि यार रघु ने फिर से गलत क्यों जा रहा है गलत रास्ते पर। शी इज़ स्टिल कंसर्न्ड अबाउट हिम कि उसे भरोसा है कि उसे नहीं जाना चाहिए, बट जब वो देखती है तो उसके दिमाग में आता है और मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो वो बोलती है कि क्यों कर रहे हो। फिर उसे पता चलता है कि नहीं, इसने तो पप्पा की मदद करी, तो उसे बहुत प्राउड फील होता है कि एक समवेयर एक जो उसका विश्वास है वो और मजबूत हो जाता है कि नहीं अभी उसका वाला रघु जिंदा है। अच्छा, तो ये जो आपका वाला जो रघु है जो पता नहीं अब कहाँ जाके छुपा है गिरफ्तार होने के बाद, अपनी ही शादी के दिन अरेस्ट होने के बाद, उसको वापस कैसे जगाएंगे आप? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से आज उन्होंने चोर की पिटाई करी हो, सारा गुस्सा आपका था, वो बेचारा चोर पिट गया। चलो निकल तो गया गुस्सा, कहीं तो निकला। थोड़ा ऐसे ऐसे दूसरे लोग पिटते जाएंगे, कम होते जाएंगे, तो वो प्यार वापस आ जाएगा। फिलहाल आई एम ट्राइंग, धनक कोशिश कर रही है, तिगड़म आइडियाज़ लेकर आ रही है कि कुछ तो ऐसा करो जिससे रघु का प्यार वापस आए, पर वक्त है, हर चीज़ जब बिगड़ जाती है तो सुधरने में वक्त लगता है, तो रघु को भी वक्त लगेगा, पर सही हो जाएंगी चीज़ें। आज मतलब जो कुछ भी हुआ पिछले दो तीन दिनों में, उसके बाद रघु इतने ज़्यादा गुस्से में है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जिंदगी भर का जो गुबार था गुस्से का, वो फाइनली अब धनक धनक पे निकल रहा है, किसी भी हालत में आपको एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है रघु। जी हाँ, रघु के दिमाग में मिसअंडरस्टैंडिंग्स का पहाड़ बन गया है, और माई ने एक और क्या कहते हैं ना कि आग में घी डालने वाला काम, एक और चीज़ उन्होंने कर दी, अपनी चाल चल दी है। अब रघु का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा, तो धनक बहुत ही अभी शैटर्ड फील करी है कि क्यों भरोसा नहीं कर रहा, डिपार्टमेंट ने गलती करी है, सज़ा मुझे दे रहा है, तो हाँ वो बहुत उदास है बेचारा। अच्छा माई, क्या क्या सज़ा मिलने वाली है धनक को? तो हर रोज़ कोई नई सज़ा मिलेगी अब धनक को। रघु को अपने गुस्से पे कोई काबू नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है, कोई भी या तो मेंटली या कैसे भी वो अपना गुस्सा जाहिर कर सकता है, या फिर कुछ ऐसा करेगा जिससे फिजिकल हार्म हो, कुछ भी कर सकता है। रघु तो अभी पूरा पागल हो गया है। बट कितने कितने प्यार से आपने मिसल पाव बनाया था, मुझे लग रहा है वो भी खाने का मन नहीं है इनका, या तो पेट भरा है या फिर मिसल पाव ही पसंद है। मिसल पाव तो पसंद है, पर बिकॉज मैंने बनाई है इसलिए इस बात पे ये गुस्सा है और नहीं खाना चाहते। अच्छा लास्टली, ये जो बड़ा सरप्राइज माई को दिया है रघु, कितनी मेहनत की है? वो सरप्राइज तो था ही माई के लिए, बट उससे ज़्यादा वो ये था कि धनक को दिखाना था कि माई से वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है, और धनक की जगह जो है उसके दिल से निकल चुकी है, ख़त्म हो चुकी है,
तो वो प्रूव करने के लिए उसने माई की सारी 27 फोटो लगाई, क्योंकि 27 बार माई को जेल में मार पड़ी थी, तो वही प्रूव करने के लिए रघु जो है ये सब नाटक कर रहा है। एक लास्ट चीज़ आज गनक, मुझे ऐसा लग रहा है कि रघु को बनाने के लिए अपनी जान भी खेलने वाली हैं, छत से कूदने वाली हैं आप, और शायद ही बचा लेंगे, मतलब कहीं ना कहीं प्यार अभी भी है जिंदा, भले नफरत कितनी भी हो। प्यार, जहाँ प्यार होता है नफरत लड़ाई झगड़ा सब वहीं होता है, जहाँ नहीं होता वहाँ आप केयर ही नहीं करते कि अरे ठीक है, तो प्यार तो है तभी नफरत है। आ जाएगा प्यार और वापस आ जाएगा। ऐसा होने वाला है, मुझे पता है। माई वापस आ गई है और साथ में मेरे बेटे को भी खींच के वापस लेके आई है, तो अब माई शायद सुकून से अपना पैक भरेगी शाम को। रघु की नानातों से गुजर रहे हैं आप, बहुत ही धोखा मिल गया है, कहीं ना कहीं धोखा तो मिल गया, क्योंकि अभी धनक से एक्सपेक्टेड नहीं था। अब रघु का जो माइंड सेट है वो चेंज हो गया, वापस गुंडागर्दी पे उतर आया, वो अपने गुस्से पर उतर आया है, और माई का भी उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हाथ तो है कि नहीं? नहीं, रघु को तो ऐसा नहीं लगता। अब वक्त ही बताएगा कि माई कौन सा मोड लेती है, अपना कौन सा प्लान करके क्या करती है, कौन सा षड्यंत्र। शॉकिंग है, धनक को वापस नहीं आई माई, मतलब क्या कुछ किस तरह से मनाया धनक को? देखो, अब बात यह है ना कि धनक ने सब लोगों के सामने ड्रामा किया, माफ़ी मांगी, तो अब अगर मैं उसको माफ़ नहीं करती उस वक्त तो फिर मैं विलन बन जाती ना, और माई तो बहुत भोली भाली है, वो विलन है ही नहीं। जो भी करी अपने बेटे को पाने के लिए, अपने बेटे का बेटा मेरा जिगर का टुकड़ा है, उसको हाथ से नहीं जाने देना चाहती है, इसलिए कर रही है। इसमें गलत क्या है? तरीका भले कोई भी हो। हाँ, बट माई तो प्यार कर दिया हमने बेटे से, कोई भी तरीका, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। प्यार से जिस तरह से प्यार मिल रहा है, जो कहीं ना कहीं धनक के लिए नफरत में बदल रही है रघु का, वही प्यार, तो फिर वो जो दिखने भी वाला है कुछ तोड़ फोड़ करने वाले रघु, मेजर 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 बहुत तोड़ फोड़ होगी, बिल्कुल सब कुछ टूटेगा फूटेगा, सर्वर टूटेगा, हर रोज कुछ नया टूटेगा। अपनी शादी के दिन आप इतना खुश थे और अब हाथों में हथकड़ी। जी, रघु की किस्मत ही कुछ ऐसी है कि हमेशा उसके साथ पंगा होता रहता है, उसकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो ही जाती है, और ये उसकी लाइफ का सबसे बड़ा और सबसे खुशी वाला मौका था, बट इस पे भी पानी फिर गया इस खुशी पे भी, क्योंकि शादी ख़त्म होने के बिल्कुल बाद रघु की जो पूरी पलटन है माई के साथ, सबको अरेस्ट कर लिया गया, और खुद धनक ने किया है, और धनक के पास डेफिनेटली कोई बहुत स्ट्रांग रीज़न रहा होगा ये सब करने के लिए, वरना वो इस खुशी के मौके पे नहीं करती, क्योंकि इससे पहले भी उसने रघु की छोटी मोटी गलतियां, इवन क्राइम टाल दिया है। तावड़े के वक्त उसने रघु का सपोर्ट किया, जबकि रघु ने उन्हीं के लिए उसको मारा पीटा था, बट यहाँ पे ज़रूर ऐसा कुछ कोई बड़ा इशू हुआ जिसके वजह से धनक को ये ड्रास्टिक स्टेप लेना पड़ा। डेफिनेटली इसके पीछे तो बहुत बड़ा कोई ड्रामा छुपा हुआ है जो आगे रिवील होगा। लेकिन क्या आप कभी धनक को माफ़ कर पाएंगे इसके लिए, क्योंकि आप बहुत खुश हैं शादी के लिए? इनिशियली धनक भी बहुत खुश थी जब तक उसको आप पे डाउट नहीं हुआ था या आई पर डाउट नहीं हुआ था। रघु ने बहुत सारे सपने देखे थे, बहुत सारा प्लानिंग किया था इस शादी को लेकर, उसके बाद की प्लानिंग सब कुछ कर चुका था, हनीमून के प्लान्स थे, उसके आगे के प्लान्स थे, बट अभी इतना बड़ा शॉक लगा है रघु को, तो डेफिनेटली पता नहीं रघु इससे कभी उभर पाएगा कि नहीं। जेल जा रहा है अभी, और उसके बाद वो और उसकी फैमिली का तो पता नहीं, बट रघु का डेफिनेटली काफ़ी एक चेंज और देखने को मिलेगा धनक की तरफ, और पता नहीं कैसे माफ़ कर पाएगा उसको या खुद को। अच्छा, तो माफ़ नहीं कर पाएंगे तो क्या बदला लेंगे आप पूरा ही शादी के दिन दूल्हे को अरेस्ट करवा दिया? देखिए, वो प्यार तो बहुत करता है, और प्यार ऐसे ख़त्म नहीं हो सकता, कुछ भी करो आप, प्यार तो हमेशा दिल में रहता ही है, डेफिनेटली नाराज़गी तो रहेगी, कुछ ऐसा नहीं है क्योंकि मान जाएगा रघु, बट हाँ बदला लेने का भी उसने सोचा नहीं, तो शायद कुछ और तरीके से कुछ करे, बट बदला तो फिलहाल नहीं, हो सकता है, यू नेवर नो। थैंक यू सो मच। बोला
Next to Maya ka. Maya ka real naam hi bhul jati. Pragati. Flash to maarna padega na bhai. Nahi, mere friend hai. Acha, aap maro. ये कैसा होगा आईपीएस और डॉन का गठबंधन स्टेज भी क्या तुझे मालूम है ना थोड़ा पीछे हो जाते ना सब सब हो जाते सब आ जाएंगे ना भाई आधे लोग जाएंगे नहीं नहीं मैं नहीं डरती अरे वैसे ही चलेगा तो कर रहा हूँ कितना आपको आपसे बोलने की जरूरत अरे गाना क्या तुम अरे वो चल ही नहीं रहा है केक से पहले थोड़ा फूक मारो मैंने कुछ नहीं किया वो सॉन्ग हो गया भाई के साथ ननक मैम सर मैम कैमरे की तरफ करो ननक मैम और सर सर यहाँ पर हमारे खाने में लाएंगे ना